क्षेत्र मंडीदीप में श्रमिकों का भारी शोषण, ईएसआई पीएफ के नाम से जमा राशि में भी भारी भ्रष्टाचार, श्रमिकों के वेतन से काटी राशि भी नहीं करते कंपनी प्रबंधन संबंधित विभाग को जमा। महाराम अहिरवार सहित आधा दर्जन जय बजरंग ट्रांसमंच कंपनी के मजदूरों को मजदूरी के लिए लगाना पड़ रहा थाना और श्रम कार्यालय के चक्कर। बद्री कोटसिंह कंपनी के मृतक श्रमिक की विधवा ललिता मासूम बच्चों को लेकर पेंशन के लिए आला अधिकारियों से लेकर सीएम तक पहुंची, फिर भी नहीं मिला इंसाफ। आखिर क्या है मंडीदीप के श्रमिकों का मामला, सुने इनकी कहानी, इनकी जुबानी। और कंपनी मालिक हमें घर से ही ले गए थे बुलाकर, पहले मैं बहुत परेशान हूँ। एक दूसरे के माध्यम से हमें वहाँ पर पहुँचवा दिए, जबकि हम उसका मालूम भी थी, लेकिन अभी 22 दिन की पेमेंट इसने नहीं दी यात्री को। और हमने जाप बनाया, हमारे पास जाप का पूरा सबूत है, क्या बनाया है हमने वो क्रेशर मशीन का। और अब पैसा मांगने जा रहा है, उसी के कंपनी में पैसा मांगने गया था मैं, तो मेरे लिए घबराहट में दर्द हो गया सीने में, इतने बेकार अटैक आया 98% का। मेरे भाई ने ले जाकर तबीयत का भर्ती किया और तब भी उसने पैसे नहीं दिए। हाँ, तबीयत खराब हो गई, तब भी मेरे लिए कहा गया तो उसने पैसे नहीं दिए। अभी तक बच्चा ही मेरे परेशान है और मैं बीमार पड़ा हूँ। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, पहले मेरे पास पैसे नहीं है, पहले मैं दे चुका हूँ पूरे, ऐसा बोल रहा है। आपके पास कितना पैसा हो गया? मेरे हिसाब से अभी हमारे 5 लोगों को 56,000 रुपये लेने थे है, ईमानदारी से जो हमें मजदूरी लेना है वो 56,000 है। क्या नाम है आपका? महाराम अहिरवार। क्या समस्या आपकी? कंपनी में काम किया था हमने। कौन सी कंपनी? बजरंग ट्रांसमिशन में, वो हमारी पेमेंट नहीं थी। कितने दिन की पेमेंट है? वो है 12 दिन की। 22 दिन। कितने लोगों की 22 दिन की पेमेंट है? 5 लोगों। करीब कितना पैसा है? 56,000 रुपये करीब। यहाँ थाने में आना खाने कर रहा हूँ। यहाँ थाने में क्यों आए? थाने में क्यों आए थे? आवेदन देने आए थे, हमको बुला था तो हम कहीं पूरे इंजाम लगा के थे। श्रम पदाधिकारी को भी दिया है? दिया। चोरी भूते केस में फंसाने की धमकी भी दे रहा है? धमकी दे रहा है। यहाँ थाने में क्या बोला है आपको? थाने में आवेदन दे दिया। मैडम ने क्या बोला? चिंतामन समित प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से। आए दिन ऐसे घटनाएं देखने को मिलती है, कंपनी प्रबंधन के लोग काम तो करवा लेते हैं, अपनी तो पेमेंट के लिए परेशान करते हैं। कई जगह पर तो कलेक्टर रेट भी नहीं दिया जाता। इसी प्रकार ईएसआई एवं पीएफ के मद में जमा की जाने वाली राशि श्रमिक के वेतन से तो काट के अपने संबंधित विभाग को जमा ना कर लाखों करोड़ों रुपए की राजस्व वाली शासन को भी पहुँचवाते। एक महिला विधवा बद्री कैटन कंपनी में काम करती थी, उसके पति का पीएफ तो काटा गया, अभी तो संबंधित विभाग को जमा नहीं किया, उसके पति की मौत हो गई बेचारी, वो दर दर की ठोकर खा रही, पेंशन के लिए आज भी श्रम कार्यालय आई थी, अभी तक उसकी पेंशन नहीं बन पाई। समय रहते श्रम अधिकारी क्या बोल रहा है? श्रम पदाधिकारी करे काम बुलवाएंगे, करेंगे कार्यवाही। मुख्यमंत्री महोदय, श्रम पदाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री महोदय तक शिकायत की, अभी तो उसकी पेंशन अभी तो नहीं बनेगी। वहाँ पे पीएफ कंपनी प्रबंधन काटते थे, पर वो पीएफ कार्यालय में नहीं जमा थी, पीएफ ऑफिस में। अच्छा जी, नहीं तो मेरी पेंशन बन जाती, उन लोग काटे नहीं, बस ये कह रहे और पूछते हैं तो कुछ बोलते ही नहीं है। अच्छा, कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें पता ही नहीं। तो अभी तक कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए, 6 से 7 महीने हो गए। तो अभी पेंशन नहीं बनी आपकी? पेंशन नहीं बनी। क्या काम? उद्योग क्षेत्र में ट्रेड यूनियन का काम करते हैं, और जिसमें जो अभी हमको एक महिला ने बताया कि उसके पति का 32 केंटर में एक तबीयत खराब हुई और उसका मृत्यु होने के बाद उस महिला को आज तक वो दर की ठोकर खा रही, उसका प्रबंध कौन है? पीएफ ईएसआई काटा, लेकिन पीएफ काटने के बाद पीएफ ऑफिस में जमा नहीं किया। अगर जमा किया होता पूरा तो इस महिला को और बच्चे की इसकी पेंशन हो जाती, तो आजीवन ये जब तक ये जीवित रहते तो इसका भरण पोषण हो जाता।